Lasky, yeah. Shadow Elders. Ok, finisce con i tre, circa. Che last lecture mein humne kiya tha interfacing, memory with absolute address decoding. हमने देखा था व्हेन वी इंटरफेस मेमोरीज विद माइक्रो प्रोसेसर 8085 वी हैव टू वेज, मगर ये प्रॉब्लम खाली तब होती है व्हेन वी हैव मेमोरीज ऑफ डिफरेंट साइजेस, ना व्हेन दे डोंट हैव सेम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, तो हमें एक प्रॉब्लम होती थी दैट वाज कॉल्ड शैडो एड्रेसिंग. शैडो एड्रेसिंग मींस कि हम एक ही मेमोरी लोकेशन को दो दो तीन तीन एड्रेसेस दे रहे हैं, जो कि सही एक्चुअली नहीं है. व्हाई? व्हाई? बिकॉज हम उसे अपनी एड्रेस स्पेस क्या करते हैं, जाया करते हैं. सो देन वी चेक आउट कि हाउ शुड वी इंटरफेस मेमोरी विद एब्सोल्यूट डिकोडिंग सो दैट ईच मेमोरी लोकेशन गेट्स ओनली वन एड्रेस. तो हम और आगे चलेंगे इसमें. अब हमें इसमें मेमोरी आ गई, मेमोरी विद सेम नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आ गए, डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गई. अब हमें जाना है नेक्स्ट लेवल की ओर, दैट इज इनपुट आउटपुट. ठीक है, लेकिन इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग में जाने से पहले हमें एक और चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है, दैट इज टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट. So in microprocessor 8085, we have two types of input outputs. One is called memory mapped input output. And second one is called input output mapped input output. ठीक है? तो अगर आपको याद होगा सम लेक्चर्स बिफोर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, इट कॉल्स ऑन द मेमोरी एज इट कॉल्स यूजिंग एड्रेसिंग, बट इट कॉल्स द इनपुट आउटपुट आल्सो एज मेमोरी, तो उसको नहीं पता. ठीक है, आगे कौन इनपुट है कौन आउटपुट है उसको भी वो लगती है एज मेमोरी. सो सेम वे जिस तरीके से हम एड्रेस करेंगे एक मेमोरी लोकेशन को, हम एक इनपुट आउटपुट लोकेशन को भी उसी तरीके से एड्रेस करेंगे. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग हियर इज नोन एज मेमोरी मैप्ड आईओ, मींस द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज टेकन एज ए मेमोरी लोकेशन. व्हेन एन इनपुट आउटपुट लोकेशन और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस विल बी टेकन एज ए मेमोरी लोकेशन means it will have all the attributes as we have in memory. ठीक है? So if it is an output device means we will have to write to it. If it is an input device we will have to read it. नहीं सो? Input device gives information to the microprocessor.
the information is given to the output from the microprocessor. Means input device is to be read and output device is to be written. Simple. हो गया. जैसे हम बोल रहे थे मेमोरी में भी, वी विल हैव टू रीड द मेमोरी, वी विल हैव टू राइट द मेमोरी. अब ये दो तरीके अलग अलग चीजें हैं, आइदर यू हैव टू इनपुट और यू हैव टू आउटपुट. सो यू विल हैव रीड एंड राइट, मींस कंट्रोल सिग्नल्स इस तरीके से होंगे. ओके, देन डेटा. सो डेटा विल बी ऑफ ऑब्वियसली 8 बिट्स, बिकॉज आवर टोटल आर्किटेक्चर इज ऑफ 8 बिट्स. सो वी विल बी मूविंग 8 बिट्स एट अ टाइम. सो दीज 8 बिट्स विल बी मूव्ड टू माइक्रोप्रोसेसर from the input device, and 8 bits will be taken inside to the microprocessor from input device. Means data lines bhi barabar memory ke hisab se hi 8 honge. So what will be the number of address lines? Theek hai, kyunki ye memory hai nahi, ye ek input device jo aapke paas hai wo ek location hoti hai. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्विच है या एक कीपैड, ठीक है, या आपके पास आउटपुट डिवाइस का एक डिस्प्ले है. तो आप जब भी डेटा देते हैं एक टाइम पे 8 बिट्स देते हो, ठीक है. सो एक पूरा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इज एज गुड एज वन मेमोरी लोकेशन. इट विल हैव ओनली वन एड्रेस, बिकॉज वन डिवाइस वन एड्रेस 8 बिट्स, दैट मीन्स वन बाइट. समझ आया? मेमोरी इज अ बिगर थिंग एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस. बिकॉज एक जब हम मेमोरी लेते हैं, आप कितनी मेमोरी लेते हो? 1 KB मीन्स 1000 लोकेशन. 32 KB मीन्स 32,000 लोकेशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. बट एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल लोकेशन. इट विल हैव ओनली वन एड्रेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बड़ा कंप्यूटर अगर आप लेंगे, उसमें होते हैं USB पोर्ट्स. Those USB ports, जितने आप devices लगाओगे, हर एक device के कितने address होंगे? एक address. जैसे आपने mouse लगाया USB port में, it will get its address. एक address होगा. Mouse तो बहुत बड़ी चीज है. It gives data, takes data, समझे? But it has only a single address because it will be taken as a single memory location. इसी तरीके से आपका printer, for example, आपने लगाया अपने system के साथ, that printer will have a single address as a printer. तो उसको जो डेटा दिया जाएगा, दैट विल बी टेकन बाय द माइक्रोप्रोसेसर एज अ एड्रेस, एज अ मेमोरी लोकेशन, बट सिंगल मेमोरी लोकेशन, नॉट मेनी मेमोरी लोकेशन. सेम गोज फॉर ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो दे आर अ सिंगल मेमोरी लोकेशन. अच्छा, ये हो गया मेमोरी मैप्ड आयो. तो सिंपली क्या याद रखना है मेमोरी मैप्ड आयो में, कि ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इफ यूज्ड थ्रू मेमोरी मैप्ड स्कीम आर सिंपली टेकन एज मेमोरी मैपड, सॉरी सिंपली टेकन एज मेमोरी लोकेशन. अब मेमोरी लोकेशन अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास कौन सी सिग्नल लगेंगे? जो हमने अभी बोला, वी हैव द एड्रेसेस, दे विल गो फ्रॉम E0 टू A50. वी हैव अ डेटा लाइंस, दे विल गो फ्रॉम D0 टू D7. वी हैव कंट्रोल लाइंस, दे विल बी रीड, दे विल बी राइट, दे विल बी IOM बार. ठीक है, और एंड देन देयर विल बी the decoding part that can move to the memory using that chipset. ये chipset हम यहाँ से नहीं ले रहे, वो memory का part है. We don't know about that. हम जो यहाँ से इस्तेमाल करें, हम simple तीन चीजें इस्तेमाल करें: addresses, the data and the control. और control में हमारे पास read, write और IOM bar. तो read and write I have to do. देखो आप यहाँ पे, जब हम memory, जो हमारा ये प्रोसेसर है 8085, when it talks to the memory IC, that is RAM, ठीक है, it will talk to it using A0 to A5 for addressing, D0 to D7 for data transfer, and these three signals to be decoded, और ये इसके साथ इससे बात करें. अब फॉर मैंने बोला यहां पे आपके पास डिस्प्ले है, and this display is an output device. It will talk to this output device as if it is talking to RAM. Means इसके लिए भी आपको बराबर ही लगेगा A0 to A15, D0 to D7 and then these control signals. So चूंकि display is an output device, you will be using write. So ना, you are writing to the out this display. अब मसला है फिर microprocessor को कैसे पता चलेगा कि मैं असल में लिख रहा हूँ input output को कि मैं लिख रहा हूं मेमोरी को. अगेन माइक्रोप्रोसेसर डजंट नो. सो सिंपली व्हेन यू आर यूजिंग मेमोरी मैप्ड पार्ट ऑन द आईओ, माइक्रोप्रोसेसर सिंपली डजंट नो
whether I am writing to the memory or I am writing to the output device, whether I am reading from memory or I am reading the input device. It doesn't, because everything is as memory. वहीं पे आ घुसता है आपका आयो मैं पढ़ायो, दूसरा बंदा, दूसरी स्कीम दैट सेज दैट द इनपुट आउटपुट इज मैप्ड नॉट एज मेमोरी बट एज इनपुट आउटपुट। मीन जो ये दूसरा तरीका है यहां पे, ये बोलता है कि जो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, चाहे कीपैड, चाहे माउस, चाहे कीबोर्ड, let us talk about basic IOs, चाहे LEDs, चाहे आपके पास displays, etc. जो भी input output devices हैं, here in this scheme they will be taken as input output devices ही। अब आप बोलोगे सर आपने तो परसों बोला कि microprocessor के पास दिमाग है नहीं, उसको पता नहीं मैं क्या किससे काम करूँ, उसको हर एक चीज जो है that is related to it in the form of memory। मगर माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी भी कहां पता है, मेमोरी क्या चीज है, समझ आ रहा है? माइक्रो प्रोसेसर डम डिवाइस मेड ऑफ सम कंट्रोल यूनिट एंड अदर थिंग्स जो आपने ऑलरेडी देखा उसके आर्किटेक्चर में। सो हाउ डज ही नो आल्सो मेमोरी के साथ काम कर, उसका जो असल में मेन मकसद है जो जानता है माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज इट्स थ्री सेट्स ऑफ सिग्नल्स इज थाउंड देम अस द माइक्रो प्रोसेसर नोज दैट आई हैव टू एड्रेस समवन एंड आई विल बी एड्रेसिंग इट बाय रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर दैट विल बी ऑफ 16 बिट्स। ठीक है, सो आई हैव 16 एड्रेस लाइंस, दे विल बी गोइंग टू दैट प्लेस एंड एड्रेसिंग इट। जिस तरीके से मैं यहां पर बैठा हूं, मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं, मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, एनरोलमेंट्स लिखे हुए हैं। व्हेन आई एवर आई हैव टू एड्रेस समवन, वो कोई भी हो, मुझे करने हैं ये 16 बिट का जो मेरे पास एनरोलमेंट नंबर है, मुझे ये बुलाना है और वहां से हो जाएगा एड्रेस। और मेरे पास जो 16 एड्रेस लाइन है वो हवा है। ठीक है, सो शुमी चूट तू इंद काम, so this is the link for addressing। अच्छा, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर को यह पता है कि मेरे पास एक और रास्ता है जहां से मैं डेटा पकड़ता हूं या डेटा देता हूं, वो हमारे केस में होगी कॉपी। ठीक है, जो आप मुझे पकड़वा सकते हो या मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज द डेटा। उसमें हम लेंगे कि हमारे वो क्या हो गए, हाथ। ठीक है, सो हाथ आपका हाथ, मेरा हाथ, दिस इज द डेटा लाइन। ठीक है, तो मैं यहां से हाथ देता हूं। और फिर तीसरा मुझे पता है मैं एक और चीज कर सकता हूं, आई कैन कंट्रोल। ठीक है, मेरे पास 3 कंट्रोल लाइन्स हैं जिसमें मैं बोल सकता हूं दे दो या ले लो, लेकिन एक और कंट्रोल लाइन है मेरे पास जो मुझे डिफर करवा सकती है दो चीजों को, दैट इज वेदर आई एम टॉकिंग टू इनपुट आउटपुट और मेमोरी। जो मेरी ऑपरेशन है, इज इट विद इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, तो ये यहां पर असली चीज है जो इनमें चेंज करवाए, दिस। Because whenever you do memory mapped IO or you do simple memory operation, memory mapped ये जो मैं लिख रहा हूँ, it is IO। यहाँ पे आपको confused नहीं होना है कि मैं memory के साथ काम कर रहा हूँ। When I say memory mapped IO means I am talking to input output devices that have been mapped as memory. So I will be always using A0 to A15 for addressing, D0 to D7 for data, read and write for getting the data in and out. But I am always using here IOM bar as 0. Kya chiz tha wa? 0. Why? Because I am working with memory. And I don't know whether that memory slot is the part of input output device or the memory itself. Main jo bhi kaam kar raha hu, mujhe memory ke saath kaam hai. Got it? Ab jab main IO mapped IO karunga, aur yahi microprocessor jab इन चीजों के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ खेलेगा यूजिंग आईओ मैप्ड आईओ, ठीक है, उस वक्त थोड़ी सी दिशा बदल जाएगी। विल यू बी यूजिंग द एड्रेसेस A0 टू A15? यस। विल यू बी यूजिंग द डेटा D0 टू D7? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, विल यू बी यूजिंग रीड राइट एंड IOM बार? व्हाई नॉट, हां हां क्यों नहीं। ठीक है, आई हैव टू यूज ऑल ऑफ देम। Then what will be the difference between that thing and this thing? क्या हो रही है? IO mapped IO है और वो वहाँ से हो रही है memory mapped IO। फर्क जो आएगी वो किससे आएगी? इस बंदे से। जब ये input output operation कर रहा होगा, ठीक है, और IO mapped IO से कर रहा होगा, जान की कि मैं input output operation कर रहा हूँ,
उस वक्त आयो एम बार जो आपका होगा दैट विल बी वन नॉट जीरो। ठीक है, सो दिस इट इज एक्चुअली द कंट्रोल सिग्नल आयो एम बार दैट मेक्स यू रियलाइज दैट वेदर आई एम डूइंग ए मेमोरी ऑपरेशन और एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बट इनसाइड द मेमोरी ऑपरेशन इटसेल्फ we can have the memory chip operation or an input output operation that will be taken as memory, or I will have a full specific input output operation where my IOM bar will be 1 or here my IOM bar will be 0. So whenever my IOM bar is 0 means I am doing a memory operation whether it is input output or a memory chip, or wahan pe jo mere paas input output devices hain they will be You are in taken as input output ही, वहां पे मैं नॉर्मली मेमोरी इस्तेमाल नहीं करता। अब लेकिन गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि हमने इसे पहले बोला सर, आपने इसे पहले बोला कि ए नॉट ए 15 जब हम एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस और इनपुट आउटपुट लोकेशन यूजिंग मेमोरी मैप्ड आईओ दैट आई कैन एड्रेस, इट इज 64K टू रिस्ट पावर 16 थिंग्स। समझे, अब जब ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है ये, आप क्या वहां पे बोल रहे हैं आई कैन अगेन यूज ए नॉट टू ए 15 फॉर डूइंग दैट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। आप किसको बुलाएंगे, आपके पास कौन से रोल नंबर्स ऐसे हैं यहां से, यानी कि जो आपके मेरे पास रजिस्टर है उसमें मेरे पास ऑलरेडी 0 से 99 तक मैंने रखे हुए हैं, मैं उनसे क्या करता हूँ अटेंडेंस करता हूँ। मैं आपको आपको बोल रहा हूँ ठीक है ये हो गई लड़की, अब यहां से मैं लड़कियों को ले रहा हूँ, ठीक है मैं बोल रहा हूँ मैं दूसरी अटेंडेंस स्टार्ट करूंगा यहां से। How is it possible? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो total number of enrollments वो खत्म हो गए ना, so what will I do in order to get this thing? वो यहाँ पे गड़बड़ गई। If all of the memory location, all the addresses are exhausted from 0000 to FFFF, for what? For your memory based operations. So how can you then? Where from will you get the addresses for the IO based operations? The answer again lies in the same IOM bar. जैसे मैंने पिछले बार बोला था कहीं पे कि अगर मुझे bifurcation करना है between boys and girls, मैं क्या बोलूंगा, मैं उनके सामने B रखूंगा और इनके सामने G रखूंगा। मैं बोलूंगा girl 1, girl 2, 3, 4, वहां से लिखूंगा B1, B2, B3, B4। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पे, and that is because of this IOM bar. Because मैं जो कह रहा हूँ IOM bar 1 है, it's an input output operation, तो मैं पहले वो वाल लिखूंगा IOM bar है। अब रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 विल बी फ्रॉम इनपुट आउटपुट। अगर मैं IOM बार 0 दूंगा मींस मेमोरी ऑपरेशन है, देन द सेम एड्रेसेस समझे विल बी गिवन फॉर मेमोरी। सो इसका मतलब एक पिन और बढ़ रही है जिसकी वजह से मेरी एड्रेस स्पेस असल में बढ़ रही है। ठीक है, मैं और एड्रेस इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन 8085 वालों ने यहां पे क्या किया हुआ है, फॉर दिस IO मैप्ड IO दे आर नॉट यूजिंग द फुल एड्रेस स्पेस। जैसे आप लगोगे मेमोरी कितनी लगा के 1K, 5K, 10K, मैंने कभी बोला आपको एक इनपुट आउटपुट डिवाइस इक्वल टू 1 मेमोरी लोकेशन, सो फॉर व्हाट यू रिक्वायर 2 raised to power 16, दैट मींस 64K इनपुट आउटपुट डिवाइस। आज तक भी अगर जिंदगी इसमें मतलब जितने भी प्रोसेसर बने होंगे, आज तक आपको लगा है कि कोई कंप्यूटर होगा जिसको इतनी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे होंगे? कुछ ही लगे होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 भी लगे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो हमें क्यों रखनी इतनी बड़ी एड्रेस स्पेस फॉर इनपुट आउटपुट? तो इन्होंने क्या किया, यही से किया, दे ऑनली पुट 8 एड्रेस लाइंस, ए नॉट टू ए 7 और ए 8 टू ए 15। ये कितनी लाइंस आ गई, they are being cloned, मतलब वो same address देता है microprocessor, कितने bits का देता है, बस 8 bits का, वही address रखा जाता है किस पे, A0 to A7 तक, and the same address is also put on A8 to A15, तो आपकी मर्जी रहती है, आप नीचे वाले जो आपके पास low order address बस है उसको इस्तेमाल करो या higher order address बस इस्तेमाल करो, दोनों का रखा जाता है आपका address, समझे? मगर टोटल एड्रेस लाइंस कितनी है आप 8, 8 से कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी 2 raised to power 8 and 2 raised to power 8 is total 256।
means you have only 256 input output devices that you can access, that you can address, that the microprocessor can call, that this second register will have the numbers. It will be only 256 numbers jo ye call kar sakta hai, and that will be for only input output devices. Why? Because we are using IOM bar to be one. ठीक है, सो अब क्या रखना है, इनपुट आउटपुट बेसिक आईओ, बेसिक मैपड आईओ में क्या रखना है यार, दैट द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड आर ओनली 8. ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर यहां पे 16 बिट एड्रेस नहीं निकालेगा जैसे हमें बोल रहा है. माइक्रो प्रोसेसर भी 8 ही बिट एड्रेस निकालेगा, उसको पता है मुझे इस वक्त 8 ही बिट एड्रेस निकालना है. अब लेकिन उसके पास 16 लाइंस है ना, वो देगा कैसे, नीचे वाली 8 लाइंस में भी वही एड्रेस बोलेगा और ऊपर वाली लाइंस में भी वही एड्रेस देगा. सो दैट वो आपकी मर्जी है, फिर आप अपने आउटपुट डिवाइस को या इनपुट डिवाइस को इनमें किसके साथ कनेक्ट करोगे, नीचे वाले सेट के साथ या ऊपर वाले सेट के साथ, वो आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं टोकेगा उस पर. ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, हायर वन के लोअर वन, लोअर के हायर, जोहर बेटर क्या रहेगा? क्वेश्चन है कि अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाना है यूजिंग आईओ मैप्ड आईओ मोड, सो व्हाट विल बी बेटर, लोअर ऑर्डर एड्रेस A0 A7 इस्तेमाल करना डिकोडिंग के लिए कि A8 टू A15 इस्तेमाल करना? लोअर लगता है ना, मगर अगर आपको पुराने लेक्चर्स याद होंगे, हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को डिकोड करना पड़ता, डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है, वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं. तो ऊपर वाले जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, तो उनमें ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है. सो इट इज बेटर टू यूज हायर वंस बिकॉज उनमें ज्यादा लैग होगा नहीं, दे विल बी इजीली एक्सेसिबल विदाउट डिकोडिंग, विदाउट डीमल्टीप्लेक्सिंग यू कैन गेट A8 टू A15. इसका मतलब ये भी हुआ, इफ यू डोंट हैव द एड्रेस लैच ALE, if you don't have the address latch, you can settle address the input output devices by using IO mapped IO, because you in IO mapped IO you have only 8 lines of addresses that you look at, that you can directly take from A8 to A16, that is not multiplexed, that is directly available, hai na, aur that will be fast also because there will be processing nahi hai. जो नीचे वाले हैं A0 टू A7, उसमें बीच में लगाना पड़ता है एड्रेस लैच, है ना, उसको फिर एनेबल करना पड़ता है, देन यू विल गेट द एड्रेसेस. सो इट विल बी बेटर टू यूज हायर ऑर्डर एड्रेस. सो क्या रखा अब आपने पहले याद, देयर विल बी ओनली 8 लाइंस दैट विल बी यूज, और आउट ऑफ 8 लाइंस आपको कितनी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, टोटल कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप एड्रेस कर सकते हो, 256, बिकॉज़ 2 रेज्ड बाय 8 इज 256. एंड देन the third thing that discerns the memory mapped IO from IO mapped IO is the IOM bar status or control signal, ki jab bhi aapke paas input output operation hogi you will have IOM bar as 1, aur jab bhi aapke paas memory operation hogi you will have IOM bar as 0, baaki sare okay. Read write to barabar istemal hoga aapko input aur output devices ke. So this is memory mapped IO and IO mapped IO. शिक्षा कोई कंफ्यूजन मत है, ओके चलते हैं आगे. अब हम देखेंगे इंटरफेसिंग की, लेकिन इंटरफेसिंग से पहले हमें क्या देखना है काम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो ये कैसे हम जोड़ते हैं,
because जब तक हम वो चेक करेंगे we won't be able to interface. So we will have to take some real input devices and some simple output devices. अगर आपको थोड़ा सा पुराना याद होगा तो हमने एक बार ही डिस्कस किया था कि जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं they are sluggish, they are being slow as compared to the microcontroller itself. ठीक है? And normally जो input devices आपके पास होते हैं they are the line speed मतलब उसी तार होती है switch है दबाया ठीक है? So you need some places, you need some buffers, ठीक है? और ledge जिसके वजह से आप क्या कर पाओगे? आप उनको interface कर पाओगे किसके साथ? अपने processor के साथ. जैसे मैंने बोला था अगर बाहर से कोई भी बंदा आएगा चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हेड हो चाहे वो दूसरा टीचर हो तो हमें नहीं पता वो बाहर क्या है लेकिन हमें अपने डब्बे के साथ काम है जो हमने यहाँ पर बॉक्स रखा होगा तो वो बॉक्स हमें असल में डिजाइन करना है. सो एक हम इनपुट डिवाइस जो लेंगे वो सिंपली टेक अ स्विच एरे एज इनपुट डिवाइस. स्विच एरे हो गया बहुत सारे स्विच ठीक है और एज एन आउटपुट डिवाइस वी विल टेक एलईडी एरे. एलईडी एरे हो गई बहुत सारे एलईडी ठीक है. सो स्विच जो आपके पास है हाउ डू यू मेक अ स्विच? यू सिंपली यूज अ पुश बटन. इज अ पुश बटन. This push button is also called as SPST switch. It is also called as a pull switch. ठीक है? इन पैसे कोई भी push button नहीं है जो यहाँ पे है. It's not push button. Push button जो है that is a type of button. जिसको जितनी देर आप पुश करोगे उतनी देर वो शॉर्ट करेगा दो टर्मिनल्स ठीक है और जो आप रिलीज करेंगे वो वापस आएगा. उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है इंटरनली. सो यू हैव सिंपली टू स्ट्रिप्स स्ट्रिप वन स्ट्रिप टू देन यू हैव द थर्ड स्ट्रिप जो ऊपर होती है और इसी पे कुछ प्लास्टिक का लगा हुआ होता है ऊपर जिस पे हम प्रेस करते हैं ठीक है. जब नीचे प्रेस करेंगे सो दिस स्ट्रिप विल सिंपली कनेक्ट दीज टू स्ट्रिप्स वन एंड टू. अब नॉर्मली क्या किया होता है नीचे स्प्रिंग रखी हुई होती है जो इनको ऊपर रखती है और ये लगाते हैं एनक्लोजर में. इसी को हम बोलते हैं स्विच पुश बटन ठीक है. एसटीएसटी मींस ये फ्रेंड हमने पढ़ा है मैं भूल गया मैं इंजीनियर बोला था बटन और पो क्या होता है पुश टू ऑन दैट मींस यू हैव टू पुश इट इन ऑर्डर टू गेट इट ऑन. When you release the external force, यानी कि when you release the push, it will get to its stable state, that is off state. ठीक है, so push down button, ये push button बोलो, SPST बोलो, push switch बोलो, कुछ भी. और इसी का जो circuit होता है, circuit diagram जिस बनाओ इतना, लाइट्स बनाओ इतना, ये भी तरीका बनाने का, ये पाने का. ठीक है? अब इस push button से हम कैसे logic निकालते हैं? Again we have already done it, so you simply connect to the power supply plus 5 volts, take this push button, use a resistor, give the ground. और जो push button और resistor के दर में point है, इसी पे हमारा logic आएगा. तो जब आपके पास circuit open होगा, मीन जब आपने push नहीं किया होगा इसको, so the zero will come here, ठीक है? And when you will push it, the 5 volt will be shorted with the output, so 5 volt will come there, ठीक है? So it will simply range between 0 volt and 5 volt. स्विच बिटवीन 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. अब मसला है ये ठीक है ऐसे हम लगाएंगे कितनी बटन सेट लगा सकते हैं हम यहां पे कितने लगा सकते हैं 8 ठीक है. हमारे पास डेटा लाइंस कितनी है 8. हमें इनको किनके साथ जोड़ना है डेटा लाइंस के साथ ठीक है. तो ये स्विच है ये एक स्विच है मैं दूसरा स्विच लगाऊंगा यहां
फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, सबको यहां से 5 वोल्ट मिलेगा, सबको यहां से रेजिस्टेंसेस होंगी, ठीक है, और सब रेजिस्टेंस यहां से ग्राउंड होंगे और सबके रजिस्टर को यहां से निकलेगा एक एक, तो टोटल में हमें निकलेगी 8 तार। अब जून सा स्विच आप यहां पे प्रेस करोगे वो वाली लाइन यहां पे हाई होगी वरना क्या होगी लो। जितने स्विच आप इकट्ठे प्रेस करेंगे उतने आपके आउटपुट्स क्या आ जाएंगे हाई वरना होंगे लो, ठीक। अब ये जो आपके पास है यहां से माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर में आप यहां से D0 to D7 आपको है, A0 to A15 और आपको यहां से है रीड, आपको है राइट, आपको है IO M bar, इनफैक्ट आपको वो डिकोड करती है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट एंड IO M bar, ठीक है। अब मसला है इतनी सारी चीजें हैं, दे हैव टू बी कनेक्टेड टू दीस 8 लाइंस, हाउ यू विल कनेक्ट, क्योंकि स्विच के बगैर, स्विच में कुछ है, इनके बगैर कुछ नहीं, आपके पास स्विच है, इनको पावर सप्लाई दे दी, नीचे से ग्राउंड दिया, 8 स्विच के 8 तारे आ गई। सो विल दीज 8 लाइंस विल फेड टू डेटा, 8 डेटा लाइंस विल बी दे फेड टू 16 एड्रेस लाइन और विल दे बी फेड टू रीड राइट IO M bar, कहाँ जाएगी इतनी सारी तारे, ये कम से कम वहां की होगी 16, फिर 8 कितनी होगी 16, 17, 18, 24, ठीक है। तो उसके बाद 26, 27 वायर्स आर टू बी कनेक्टेड ओनली टू 8 लाइंस। टाइम क्या है, 8 बजे है, ठीक है, हमें मीटिंग है तो ये अब आज के लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक आउट कि इतनी सारी लाइन हम कैसे जोड़ेंगे, माइक्रोप्रोसेसर कैसे एड्रेस करेगा इस स्विच को, कैसे फिर रीड बोलेगा और कैसे आपके पास जो हमने स्विच प्रेस किया होगा वो 8 पिन्स पे जो डेटा आया होगा कैसे वो अंदर हो जाएगा, समझ आया। सो दैट विल चेक इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।